ओम ज्ञान तिमिरन्ध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने वरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताभ्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितृतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् इने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवश्यतां नो मतिरक्तहेतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 35 वर्स नंबर 6 एंड 7 कंटिन्यूएशन ऑफ श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 35 श्लोक 6 एवं 7। पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि गाय मृग बैल ये सब कृष्ण के वेणु वादन से आकर्षित हो जाते हैं और चित्र जैसे बन जाते हैं। जाड्य भाव होता है, स्तंभ होता है, वो हिल नहीं पाते हैं। धातु
परीक्षित सबलाले सगोपैर्गा समावयति यत्र मुकुन्दः तरी भग्नगतया सरितो वैतत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतं स्पृहतीर्वयमिव अबौ पुण्या प्रेमवेपितभुजास्तमितापः। करिचित सबला सगोपैर्गा आवहति समावयति। कह रहे हैं कि ओली अर्थात मित्र कभी कभी कृष्ण बलराम के साथ वे गैया को बुलाते हैं अपने मित्रों के साथ। और वे सजे हुए हैं, वस्त्र एक मल्ला जो मल्ल युद्ध करते उनके जैसे वस्त्र पहन रखे हैं। परिबरह अर्थात जैसे कपड़े को बहुत सख्त बांध लेते हैं कमर में। उनके ऊपर मोर पंख है। बस पलाश है जो वृक्ष से जो कली होती है वो उनके केश में है, और वे गाय को बुला रहे हैं। उस समय जो नदियां हैं वे भी बहना बंद कर दी। और वे इच्छा कर रही हैं कि जो हवा है वो कृष्ण के चरण कमल का जो रज है वो उन तक लेकर आए, क्योंकि नदी तो कहीं जा नहीं सकती, वो तो जिधर है वहीं रहेंगे। तो वो बहना बंद कर दिए हैं, जैसे कि कोई बांध ने उन्हें रोक दिया है। और वे अपेक्षा कर रही हैं, आशा रख रहे हैं कि उन्हें कृष्ण के चरण कमल का रज प्राप्त हो। कैसे कैसे मिलेगी? वायु से। पर ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वायु तो उन तक ला नहीं रही है रज। तो वे केवल इच्छा कर रहे हैं, उन्हें मिलता नहीं है। तो वे भी हमारे जैसे दुर्भाग्यशाली हैं, उन्होंने इतना पुण्य नहीं किया है। जस्ट एज वी आर फीलिंग सेपरेशन, दे तो ऑल्सो जिस फील प्रकार हम विरह अनुभव कर रहे हैं, वे नदियां भी विरह अनुभव कर रही हैं। कृष्ण। तो वे क्या करते हैं? तो वे बहना बंद कर दिए, और उनके जो जो लहरें हैं वो वापस आ रही हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे उनके हाथ हैं और जो कांप रहे हैं, जैसे वो कृष्ण को आलिंगन करना चाहते हैं। तो प्रेम से यह अवस्था है नदियों की। तो नदियां ऐसे क्यों कर रही है? क्योंकि वे गाय को बुला रहे हैं। तो गाय और नदी में समान क्या है? समान है नाम। तो कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति का हमारे जैसा वही नाम होता है, उसको बुला रहा है तो हमें लगता है हमें बुला रहा है। तो किसी गाय का नाम है यमुना, तो वो यमुना गाय को बुला रहे, तो यमुना नदी सोच रही है कि वे मुझे बुला रहे हैं। या किसी गाय का नाम सरस्वती होगा, गंगा होगा, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये सब स्त्रीलिंग है। नदियां तो गाय भी स्त्रीलिंग है। तो फिर वे ऐसे गलत समझ ले रहे हैं कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं। सारार्थदर्शिनी टीका। सदृश मृग
आदि नाम चेतना नाम का वार्ता। अचेतना नाम अपि वेणु श्रवण हेतुकम स्तंभम इत्याह शुणुते इत्यन्याह। सो इन द प्रीवियस देयर वाज दिस डिस्क्रिप्शन दैट हाउ द बुल्स तो पहले यह वर्णन किया गया था कि किस प्रकार जो बैल है, मृग है, गाय है, ये सब स्तंभित हो गए, हिल मूव नहीं पा रहे थे, दे पर आर कॉन्शियस बींग्स। वे तो चेतन जीव सो इट्स हैं। पॉसिबल कॉन्शियस बींग्स कैन हियर तो जो चेतन है वे सुन तो स्तंभ सकते हैं, बट वेणुवादन सुन सकते हैं, रिवर्स दे आर पर नॉट नदियों का क्या? लिसनिंग नदियों तो चेतन नहीं टू है, जल तो चेतन योर नहीं दे है, डोंट लिसन टू योर म्यूजिक तो जल तो वेणुवादन सुन नहीं नॉर सकता, वाटर हैज एनी आईज टू सी। न जल की कोई आंखें हैं जिससे वो देख सके। तो सो ही सेज दैट स्टिल कह रहे हैं कि फिर दे भी आर हियरिंग द साउंड ऑफ द वे फ्लूट भी फ्लूट वेणुवादन का ऑफ श्रवण कर रहे हैं, और इस कारण से बिकमिंग स्टेशनरी वे स्टिल। भी स्तंभित हो जा रहे हैं। सो प्लीज हियर दिस तो कृपया ये सेकंड सुनिए, गोपी कोई दे आर स्पीकिंग दिस अन्य गोपी कह रही है ये। बर्हिणस्य इति चिन्त्यम्। सो देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक वर्ड हियर इन द श्लोका। तो इस श्लोक में श्लोक इज एक देयर शब्द में थोड़ी समस्या है, तो से वह यहाँ क्यों दिया गया है दैट कहना आई थोड़ा कठिन है। मस्ट नो संस्कृत। गोपियाँ तो सो बर्हिणा पढ़ी लिखी है, मीन्स उन्हें संस्कृत पता ही पीकॉक होगा। बरहिण अर्थात मोर, क्योंकि बिकॉज बरहा इज द पीकॉक फैदर। बरहा अर्थात मोर सो पंख, हु हैज इट इज कॉल्ड बर्हिन। तो जिसके पास वो है वो सो बरहिन है। बर्हिणा मीन्स अ पीकॉक। सो ही बरहिण सेज दैट अर्थात मोर का, पीकॉक्स तो वो तो अपने आप को इज मोर से नहीं नॉट सजा गोइंग रहे टू हैं। ओपन द गेट। सो इज ही पुटिंग अ पीकॉक ऑन हिज हेड और इज पुटिंग अ तो वे पीकॉक अपने ऑन सिर हिज पर मोर लगा रहे हैं या मोर पंख लगा रहे सो हैं? देयरफॉर ही सेज बर्हिणा से चिंतम चिंतन। सो दिस इज इसलिए पीकॉक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं बर्हिणस्य इति चिंत्यम, ये सोचना होगा कि ये बर्हिण यहाँ पर क्यों प्रयोग किया गया है। बट एनीवे स्टिल ही गिव्स खैर, फिर भी वे अर्थ तो देते हैं। सर्व का पिछानी। सो देयरफॉर ही सेज दैट बर्हिणा हियर मीन्स तो वे इसलिए बर्हिणा वे कहते हैं कि मीन्स यहाँ बर्हिण का अर्थ है, स्टेम्स बर्हिण स्तबक अर्थात फ्लावर्स। जो फूल होते हैं, सो नाउ ही सेज दैट ही इज इट इज फूलों का बर्हिणा समूह। मीन्स दैट इट इज क्लंप ऑफ पीकॉक फैदर। तो बर्हिण स्तबक को कह रहे हैं कि मोर यत पंखों का एक गुच्छा। शब्दे नैव बर्हिणा पिच्छानि लक्षितानि और या इट इज फिर टेकन अवे लाक्षणिक अर्थ। इसे लाक्षणिक अर्थ में लेना चाहिए। सो यू नो दैट वर्ड तो हैज आप टू जानते टाइप्स हैं ऑफ कि मीनिंग्स। शब्द के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, मुख्य, देन यू हैव द सेकेंडरी मीनिंग मुख्य अर्थ होता है, गौण अर्थ होता है, इम्प्लाइड मीनिंग सजेस्टेड मीनिंग। सो प्राइमरी मीनिंग इंडिकेटेड मीनिंग एंड सजेस्टेड मीनिंग। तो मुख्य अर्थ होता सो है, इफ यू लाक्षणिक हैव होता है, व्यंग्य होता है। फेमस एग्जाम्पल जो उदाहरण है गंगायम घोष, तो विलेज इनसाइड द रिवर। यदि कहें सिंस कि विलेज कैनॉट बी इन द रिवर नदी एज में मच एज द टेम्पल कैनॉट बी इन द गांव रिवर। है, जैसे कि कहें कि रास्ते पर मंदिर है, देन तो द मंदिर टेम्पल रास्ते पर कैनॉट तो हो बी नहीं सकता। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो जब नदी सो नॉट में द टेम्पल गांव है, मतलब कैनॉट नदी बी के ऑन द किनारे हैं। रिवर नॉट द रिवर इटसेल्फ। सो इट्स सिमिलरली हियर बर्हिणा मीन्स इसी तरह यहाँ बरहिना का देन यू लाक्षणिक हैव अर्थ ले रहे हैं कि पीकॉक वे पीकॉक मीन्स मोर पंख ही हैं। लक्षितानि। दिस इज अ लक्षणिक अर्थ। तो ये लक्षणिक अर्थ लगा ऑफ रहे हैं। कोर्स व्हाई लक्षणा इज डन देयर हैज टू बी तो सम लक्षणिक कारण अर्थ क्यों बिहाइंड। लगा रहे हैं? कोई कारण तो होगा। सो ओनली इट सिग्निफाइज द पीकॉक्स राइट देयर तो हो सो सकता है पॉपिंग कि अप मोर वहीं पर रहेंगे एंड सो फ्रेश और पीकॉक वहीं से वो ताजा मोर पंख लेकर लगा लिए। तो He's got our feather, so they feel happy. मोर So जो है they वे fly खुश है कि उन्होंने हमारे पंखों because they feel को लेकर लगाया है। nice playing the flute made from us. तो जैसे कि जो बांस So का this वृक्ष has a है, significance.
वो खुश है कि हमारे लकड़ी से कृष्ण ने बांसुरी बना गया, उसे वही बजा रहे हैं। तो इसी तरह मोर भी खुश हो रहे हैं, नहीं तो फिर लक्षणी कर क्यों सेवन लेंगे। इन केस बरहिणा व्हेन वी हैव द मीनिंग ऑफ बरहिणा एज द पीकॉक फेदर देन स्तबक विल ब्रिंग तो रिटर्न इन टू वर्ल्ड बरहिना को सेवन यदि केस मोर स्तबक पंख विल लिया जाए ब्रिंग तो रिटर्न इन स्तबक टू का एक वर्ल्ड स्वतंत्र शब्द बन जाएगा। मीन्स तो स्तबक का अर्थ हो मीन्स रहा है लाइक बुके ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुच्छा। सो धातु गैरिक आदि एंड धातु धातु मिनरल्स इज लाइक द गैरियम दिस तो जो धातु है सेफ्रॉन कलर धातु कम्स फ्रॉम द माउंटेन सो लाइक नाउ यू हैव तो धातु जो है वो मिनरल्स पहाड़ से आता है। सो प्रीवियसली दे विल डू विद द मिनरल एंड डू इट एवरी टाइम द एडवांटेज इज दैट एवरी डे यू हैव फ्रेश डिजाइन नाउ यू हैव इट टैटू हैव वंस देन तो बिफोर अभी जैसे आजकल एक बार एक स्टेट्स परमानेंट टैटू लगा लेते हैं, पहले ऐसे नहीं था। एनी फ्रेशनेस हाँ, धातु लेकर रंग लगाते थे शरीर पर, तो सो हियर यू हैव एवरी डे वह फ्रेश ताजा रहता था। तो यहाँ प्रतिदिन ताजा होता एंड है, प्रतिदिन एक धातु नया गैरिक आदेश नया डिजाइन एंड तैयार होता है। पलाश पलाश मीन्स पल्लव मीन्स द पलाश अर्थात ट्रीज पल्लव, लीव्स ऑन द ट्रीज फ्रेश वृक्षों पर लीव्स फ्रॉम द ताजा फ्रेश पत्ते हैं। ट्रीज कृष्ण प्राकृतिक चीजों से ही अपने आप को सजाते हैं। प्लास्टिक वो कोई प्राकृतिक प्लास्टिक केमिकल्स कोई नकली केमिकल प्लास्टिक ये सब, ऑर्गेनिक कोई केमिकल ये सब प्रयोग नहीं बट करते। ही इज एन ऑर्गेनिक पर्सन कृष्ण एक प्राकृतिक व्यक्ति है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पर्सन व्यक्ति, तो उसी तरह वो सब कुछ ऑर्गेनिक प्राकृतिक ही पसंद करते हैं। यूजिंग द ऑर्गेनिक स्टफ ऐसी वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। पहला नाम परी बरहा एंड सो विद दैट देन ही इज तो बिकम उससे अ वे रेसलर एंड एक देयर मल्ल फॉलोइंग हिज योद्धा के लाइक तरह लग रहे हैं। बोथ द टाइड नाउ ही गेट्स स्टक हियर एंड ये देयर तो क्योंकि वन में फ्रॉम धोती पॉइंट टू को पॉइंट सख्त बांध के सो रहना व्हेन ही रखना पड़ता है, नहीं तो धोती यहाँ वहाँ रिटर्न्स वृक्ष हिज झाड़ फूस में फंस जाएगी। तम विडंबयति अनुकरोति दिस आर ऑल वेरी अनयूजुअल मेनी राइट पोएट्री इन संस्कृत वी यूज वर्ड्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू नो अनलेस यू नो द कॉन्टेक्स्ट तो डिफिकल्ट जो काव्य होता है उनमें शब्द ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो समझना बड़ा कठिन हो जाता है। सो इट सेज हियर विडंबयति तो अनुकरोति मींस यहाँ कह रहे हैं एक्टिंग लाइक दैट कि ऐसा वे और नाटक कर रहे अनुकरोति हैं। मीन जोकिंग विडंबना अर्थात मजाक सो करना भी हो सकता हैज है। तो प्रीति दैट बाय हिज ब्यूटी ही इज मेकिंग फन वो ऑफ अपने सौंदर्य से हाउ सबका उपहास कर ड्रेस्ड रहे हैं। देयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फॉरेस्ट सो द ड्रेस इज डिफरेंट तो वन में ट्राई टू शो दैट ड्रेस्ड बच्चे भी खेलते हैं, तो अलग अलग तरह हाउ से सब वेल सज रहे हैं, को ड्रेस्ड सब दिखा रहे हैं, कौन किसी को, कौन मीन्स अपने आप को कितना अच्छा सजा के दिखा सकता पीकॉक है। फिर फैदर देन यू मेक लॉट ऑफ तो कोई फूल से सजाते हैं, कोई फैदर मोर पंख से। वाई कृष्णा हैज पीकॉक फैदर ऑन अब हिज इस हेड पर इज टू शो काफी ड्रेस दर्शन आ जा इस पे दर्शन कई एज लोग पर प्रश्न ट्रेडिशन पूछते हैं दैट कि ही वुड बी अमंग द वे रिलेशंस ऑफ सैटर्न मोर पंख ही क्यों हैड लगाते पीकॉक हैं। फैदर टू काउंटरैक्ट दैट बट ही तो कुड नॉट गेट ज्योतिष पास्ट कहते दैट हैं सो ही आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कि सैटर्न वे बीइंग ब्लू सैटर्न जो ग्रह है स्क्वायर ब्लू ड्रेस उसके नक्षत्र में वे जन्म लिए वाइट थे, तो कलर ब्लू ड्रेस इसलिए सो कृष्णा उनको हैज नीलमणि नहीं सेड मिली। तो दैट वाइट उसके ड्रेस प्रभाव इज देयर को डेस्टिनेशन तोड़ने के लिए बट द वह सिंपल थिंग इज दैट ही मोर वुड पंख लगाते मेक हैं। लॉट ऑफ पीकॉक्स पर देयर साधारण अर्थ यह है कि वे वन में जाते हैं, वहां ही पिक्स द बहुत मोर मोर पंख है, वो मोर पंख गिर जाते हैं, वो लेके लगा लेते हैं सिर पर। तो नॉट थिंकिंग अबाउट सैटर्न वे सैटर्न ग्रह वगैरह सब नहीं सोच मीन्स रहे इट हैं। वॉज हियर एंड सो दैट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन सो समटाइम्स सिंपल थिंग्स ऑल्सो कैन बी कॉम्प्लिकेटेड तो बाय कभी पीकॉक कभी फैदर्स जो पंडित होते हैं वे सरल विषयों को भी बहुत जटिल बना देते द हैं। मीनिंग लाइक द डिबेट ऑफ कालिदास कालिदास वाज ओनली इंटरेस्टेड इन पोकिंग द आई ऑफ द गॉड विद हिज फिंगर देन मेड अ फिलोसॉफिकल पॉइंट आउट ऑफ इट
That is saying there is only one truth. He was not bothered about truth or anything. He just wanted to take care of this guy. So everybody thinks according to their own mind, right? प्रत्येक व्यक्ति अपने मन मानसिक स्थिति के अनुसार सोचता है. तो जो दार्शनिक होते हैं वे हर विषय में एक दर्शन ज्ञान निकालते हैं. ज्योतिष का की अपनी दृष्टि है और काव्य लिखने वालों की अपनी दृष्टि है. तो ये कहते हैं कि कृष्ण बादल जैसे हैं और बादल देखकर मोर नाचते हैं. तो दार्शनिक कुछ अन्य बात कहते हैं. तो फिर कह रहे हैं सबल, सबल अर्थात जो बलशाली है. तो सबल अर्थात वो राम बलराम जी के साथ है वो भी हो सकता है, या वे स्वयं बलशाली है इसलिए सबल है. तो मध्वाचार्य जी के सिद्धांत के कक्षा में मैं सुन रहा था कि बलराम, वे कह रहे थे कि बलराम कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म क्यों लिए, क्योंकि पिछले जन्म में वे छोटे भाई थे. तो प्रकृति में सा संतुलन बना रहता है. तो वे संतुलित किए, पिछले जन्म में छोटे भाई के रूप में बहुत सेवा किए, इस बार बड़े भाई के रूप में आए. तो बड़े भाई इतना सेवा नहीं कर सकते, वो बड़े हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं सबल. यहाँ पर इस अवतार में कृष्ण बलराम की सेवा करेंगे. तो आली अर्थात मित्र, स्त्रियां, सखी. तो उन्हें यहाँ मुकुंद कहा गया है. यत्र मुकुंद पूर्व में भी प्रथम श्लोक में मुकुंद शब्द प्रयोग किया गया था. तो ऐसा लगता है कि युगल गीत में मुकुंद जो है वह एक पसंदीदा शब्द है. तो वे गायों को बुला रहे हैं, वे अकेले गायों को नहीं बुला रहे हैं, जो ग्वाल बाल है वे भी बुला रहे हैं. क्योंकि क्या होता है कि जब आप गाय को वन में लेकर जाते हैं, वो पाश्चात्य देश जैसा नहीं है जहां पर एक इलेक्ट्रिक का एक फेंस लगा रहता है जिसके बाहर गाय जा नहीं सकती, तो उन्हें देखना नहीं पड़ता. आप शाम को आइए और फिर उन्हें ले जाइए, तो फिर वो उस फेंस के अंदर ही रहती है. पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था, वहां कोई फेंसिंग नहीं था, तो वो सब मुक्त हैं. तो गाय सब मुक्त हैं, जहां उन्हें हरी घास दिखती है वहीं चले जाते हैं. अब ग्वाल बाल खेल रहे हैं, तो हर समय गाय के पीछे तो भाग नहीं रहे हैं, तो वो खेलते हैं. अभी गाय दूर चली जाती है, तो अब उतना दूर जाए कि उनको बुलाएंगे और लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें भी घर जाना है. तो वे एक जगह रह के वहीं से पुकारते हैं. यदि कोई दूर में है और आपको उसे बात करना है, तो एक तो है कि आप वहां तक जाइए, और दूसरा है कि उसे ही अपने ही स्थान से उसे बुलाइए. तो जब मोबाइल फोन नहीं था, तब जोर बोलना पड़ता था, तब वो व्यक्ति आता था. गांव में तो ऐसा ही होता था, संध्या को कोई ना कोई जोर से पुकार के किसी और को बुलाता है.
स्मॉल प्लेस एंड चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुगेदर हियर एंड क्योंकि देयर गांव छोटा जगह है, वहां पर बच्चे खेलते रहते मदर हैं। इज कॉलिंग देयर तो अभी चिल्ड्रन शाम को कोई अपने बेटे को वेरी बुला रही है तो वेरी लाउड वॉइस एंड वो बहुत जोर पुकारते हैं। यू कैन हियर राइट एंड हियर द अदर एंड ऑफ द विलेज और ही मे बी सिटिंग इन समबडीज हाउस या कोई हम कोई एक व्यक्ति आप किसी और के घर में बैठे हैं तो वहां कभी ना कोई हर समय जोर से किसी को पुकारते ही रहते हैं। तभी मोबाइल के कारण ये सब नहीं होता, अभी केवल एक फोन सो कॉल वी लगाते आर हैं। कॉलिंग द काउज लाइक दैट तो यहाँ ग्वाल बाल भी सो गाय ऑल को काउज बुला आर रहे कमिंग हैं, टुगेदर सो इफ दे आर टू फार अवे इफ वन पर्सन सारे इज ग्वाल बाल एक साथ बुला रहे हैं। एंड इट इज नॉट दैट लाउड ऑल ऑफ देम जॉइन टुगेदर राइट तो एक यदि पुकारे तो वो इतना जोर नहीं होता, यमुना लेकिन अभी सारे ग्वाल बाल एक साथ जोर से यमुना को गाय को पुकार रहे हैं काउ इन तो हियर फिर ये बहुत जोर आवाज हो जाती है। तो फिर वो यमुना गाय सुनती है, फिर वो आ जाती है वापस। सो देयरफॉर इट सेज सम मुकुंद है गोपैर युक्त अलोंग विद द काउहर्ड बॉयज हाउ इज ही कॉलिंग गा ही कालिंदी तो कैसे सिंस जोर से पुकार ही रहे डिड हैं, नॉट कॉल कालिंदी गाय को जोर से पुकार सिंस रहे ही हैं, डिड कॉलिंग ही जस्ट वोंट कॉल क्योंकि जब पुकारते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, ही जस्ट केवल डिड दिस इन हरी नाम ही राइट नहीं पुकारते। व्हेन यू कॉल देन बिकम्स त्रिविक्रम महापुरुष एंड महापुरुष बिकम्स इन डिफरेंट प्लेसेस रिमेंबर दैट सम टाइम द लास्ट वॉवल विल बिकम महापुरुष सम टाइम द फर्स्ट तो पोल हरि नवामृत व्याकरण में आता है कि जब किसी को पुकारते हैं जोर से तो ये महापुरुष हो राइट जाता है, राइट तो वो किसी भी स्वर के आगे आ सकता है। वैसा नियम क्यों दैट्स है? हाउ यू कॉल क्योंकि इसी तरह पुकारा जाता सो है। वन इज दैट यू से दाऊजी एंड वन इज दाऊजी तो यदि दाऊजी शब्द दाऊजी लें तो ऊ में भी जोर से दैट्स पुकार हाउ सकते हैं दाऊ जी करके, या जी में भी उसको लंबा खींच सकते हैं दाऊ जी करके। डिफरेंट प्लेसेस या नॉट स्ट्रेस यू हैव टू एलोंगेट दैट तो उसको इस तरह से खींचना पड़ता है। इट विल बिकम जी सो द लास्ट वन विल बी लॉन्ग एंड लाउड तो कभी सो अंतिम वाला दैट्स जी वाई वह लंबा हो जाएगा। तो ये पुकारने का तरीका होता है। दैट्स वाई ही इज राइटिंग हियर इन संस्कृत से तो वही यहाँ पर ही संस्कृत में कह रहे हैं ही मींस इट इज एडेड एट द एंड समवेयर कि वह अंत में कहीं लगाया गया है। सो यू हैव टू से लाइक ही से हे कालिंदी सो यू हैव टू से लाइक दैट तो इस हियर प्रकार इज से वे जोर कालिंदी से पुकार रहे हैं। हे दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस ही तो ही का ये अर्थ है कि सब ए कालिंदी में ए को खींच सकते कालिंदी हैं, ए या सिंस फिर कालिंदी ए में दीज आर कालिंदी नेम्स ऑफ द पहले मेन प्लेसेस वाल इन ए को आसाम बाद में खींच राइट सकते हैं। आसाम नामभिर्यत्र यदा आवेति तर्हि सरितो यमुना मानस गंगा सरस्वत्याद्या सरितो अन्याश्च व्रजस्था चेतनापि चेतना प्राप्य सो देन इज कॉलिंग दिस तो अब नेम यहाँ पर ये देन ही इज गायों के नाम कॉलिंग पुकार रहे हैं, वेरी परंतु ये इंटरेस्टिंग नाम नदियों की भी है। मानस तो गंगा मानस गंगा इज व्रज में गंगा कहाँ है? मानसी सरस्वती गंगा है, सरस्वती यमुना है, सरस्वती, सरस्वती इज ऑल्सो देयर कहीं तो बट सरस्वती भी है जो अभी अदृश्य है, क्योंकि सरस्वती अभी लुप्त है। सो देयर फॉर दीज रिवर्स तो विच आर इसलिए ये जो नदियां अनकॉन्शियस हैं जो वाटर चेतन दे आर नहीं कॉल्ड है, कॉन्शियसनेस चेतन दैट इज जल वाई दे नहीं आर है, कॉलिंग वो भी कृष्ण के पुकारने के कारण वो भी चेतना लाइफ प्राप्त कर लिए, वो भी जैसे जीवित हो गए, लाइफ जल जीवित हो सो गया। इज चेतनाम प्राप्य तो इसलिए वे कह देन रहे दे हैं बिकेम अपि चेतनाम कॉन्शियस प्राप्य, कि देन दे स्टार्ट थिंकिंग जब वे चेतन हो गए तब वे सोचने लग गए। क्योंकि दैट चेतना मींस यू हैव टू हैव अ चित्ता तो चेतना अर्थात एक चित्त होना चाहिए, चित्ता मींस थिंकिंग और सो चित्त देयर फॉर यू अर्थात कॉल सोचना। विचार कहाँ से आते हैं? फ्रॉम चित्ता चित्त से आते हैं। चित्ता इज द सोर्स ऑफ चेतना चित्त ही एवरीथिंग चेतना कम्स का थ्रू स्रोत है शरीर इट्स में। कॉल्ड अल्टीमेटली इज आत्मा बट कम्स थ्रू चित्ता सो चित्ता ऑल्सो द स्टोर ऑल्सो द बेसमेंट वेयर यू थ्रो एवरीथिंग तो चित्त वो जगह है जहां पर सारे संस्कार जाते हैं, जैसे बिल्डिंग में मकान में बेसमेंट होता है, चित्त वैसा बेसमेंट है। जो भी आवश्यक नहीं होता है सब कुछ बेसमेंट में फेंक देते हैं, तो सब विचार वगैरह सब चित्त में जाते हैं। तो अभी गायें सोच रही है। स्नान अवगाहन आदि अर्थम स्मान आवेद
वर्ड हंता कम्स इन खेद एंड तो हंत खेद में हंत आता है इन आश्चर्य और आश्चर्य में भी हंत शब्द आता है। अभिलाष सुनते हंत चित्र में अभिलाष सुनते इदम हार हास और सी विद्यत स्थिर विद्यता। So they are saying, what a surprise, what a तो वे wonder. कह रहे हैं कितना कैसा आश्चर्य है, हम इतने भाग्यशाली हैं कि कृष्ण हमें पुकार रहे हैं, क्योंकि वे हमारी जल में स्नान करना चाहते हैं। तो साधारणतः हम जब किसी पर ध्यान करते हैं तो मन में करते हैं, पर यहाँ पर जिस पर ध्यान कर रहे हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। साधारण तौर पर हम जिस पे ध्यान करते हैं हम उनमें अपना मन में प्रवेश कर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कृष्ण हमें पुकार रहे हैं क्योंकि वो हमारे जल में स्नान करना चाहते हैं। स्वतीक्षण प्रवाहेण तटम भित्वा याम सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर फ्लो ब्रेक द बैंक एंड तो गो टू इसलिए अब हम अपने धारा को रोकना चाहते हैं, तट को तोड़कर उनके प्रतीक्षण पास चले प्रवाहे जाना चाहते हैं। या सवो अपि भग्न गतेर अति आनंद जाड्येन स्वाभाविक गतेरपि स्तंभात विगत प्रवाहा एव भवन्ति इति शेष। सो इन दिस वे दे तो इस आर प्रकार डेयरिंग टू गो नियर टू कृष्ण वे डिजायरिंग कृष्ण के निकट एंड जाने की फाइंडिंग इच्छा कर रहे हैं, देयर फ्लोनेस ये टू स्टॉप नदियां, हैज स्टॉप इसलिए उनका उनका जो स्वाभाविक प्रवाह है वह रुक गया है। एंड दिस इज और बिकॉज टू मच ब्लिस ये वेन यू अत्यधिक लूज आनंद के ब्लिस कारण है। यू ऑल्सो गेट स्टन जब अत्यधिक आनंद होता है तो गेट स्तब्ध हो जाते हैं, शॉक यू आर स्टन जैसे कोई बहुत बड़ा झटका लगने से स्तंभित हो जाते हैं, तो आनंद भी एक सो झटका हो दिस सकता है। जाड्ये ने तो अति आनंद होने से जड़ दैट जैसे हो स्टन जाते हैं, स्तंभित हो संभावित जाते हैं। गतेरपि स्तंभात सो देयरफॉर देयर नेचुरल फ्लो स्टॉप इसीलिए उनका स्वाभाविक प्रवाह रुक गया। ट्रूली इट स्टॉप सो विगत प्रवाहा एव भवन्ति सो देयरफॉर दैट्स देयर स्टेट दिस इज व्हाट द गोपीज आर सेइंग दैट लुक तो देयर यह उनकी स्थिति है, गोपियां कह रही हैं कि देखो ऑल द फ्लो ऑफ द रिवर्स गेट स्टॉप नदियों का एंड प्रवाह रुक कृष्णा गया कैन है फ्लोट जब कृष्ण अपनी बांस ने अपनी बांसुरी बजाई। एंड देन देयर इज श्लेषा श्लेषेण और फिर एक श्लेष है, आनंद संग सुख प्राप्ति अभावात अनन्य नदी कृतो भासा च एहि की गतिर भवना पातिव्रत्य लोपात पारलौकी की च गतिर नष्टा। सो नाउ ही इज गिविंग अनदर मीनिंग दिस इज कॉल्ड श्लेषा तो अभी वे एक अन्य अर्थ दे रहे हैं जिसे भग्न श्लेष गति कहते भग्न हैं। मीन्स ब्रोकन भग्न गति, भग्न अर्थात टूटा हुआ, गति मीन्स गति मूवमेंट अर्थात गतिमान चलना, मीन्स डेस्टिनेशन गति का अर्थ सो लक्ष्य गतमति गंतव्य भी मीन्स होता है। मूवमेंट ही इज सेइंग इन संस्कृत दैट व्हाट एवर इज योर मति एट द एंड मीन्स एट द टाइम ऑफ डेथ तो संस्कृत में कहते हैं कि मृत्यु के मीन्स समय जो हमारी स्टेट मति होती है, थॉट अर्थात जो मन की मीन्स अवस्था होती गति है, जो मति होती है वही गति होती है। नाउ भग्न गति मीन्स दैट देयर तो अब डेस्टिनेशन भग्न इज गति बीइंग अर्थात डिस्ट्रॉयड कि उनका जो उनकी जो डेस्टिनेशन गति, जो डिस्टर्ब गंतव्य है वह नष्ट हो गया है, दैट वो टूट गया है, भग्न हो गया है। गुड डेस्टिनेशन नष्ट हो जाना अर्थात वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड यहाँ पर भौतिक संसार में अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज देयर आर टू डेस्टिनेशंस इन धर्म जो कर्म एंड दो मोक्ष दो गति है वन भौतिक डेस्टिनेशन संसार ऑफ में, धर्म ऑल्सो लीड्स टू एक है मोक्ष धर्म जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, नॉट जस्ट हियर बट आफ्टर डेथ इधर यू गो टू हेवन और यू गेट मोक्ष मृत्यु के बाद क्या तो सो स्वर्ग दैट जाते हैं क्या सो मोक्ष होता है जो पारलौकिक धर्म का पालन करते हैं। गति तो एंड पारलौकिक इज मोक्ष स्वर्ग जो है वह लौकिक है और हेवन मोक्ष सो पारलौकिक है। पारलौकिक यदि मीन्स आप स्वर्ग को भी इफ यू आर पारलौकिक हियर समझे तो सो लौकिक को फिर नाम पूजा प्रतिष्ठा कह सकते हैं। देयर तो ये जो लॉकिक नदियां हैं वैल्यू हियर नाउ एंड ऑल्सो उनका नेक्स्ट यहाँ लाइफ का गति भी चला गया और अगले जन्म का गति भी नष्ट हो गया। सो दे से दैट धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वॉशरमैन हैज अ डॉग
इट इज यूजलेस फॉर हिम बिकॉज वाशरमैन ट्रेडिशनली तो जो धोबी का कुत्ता होता है, अभी धोबी धोबी कपड़े ले जाते हैं नदी के तट पे और वहां धोते हैं, या किसी तालाब इत्यादि के उधर जरिया के धोते हैं, तो कपड़े को लेके जाते कैसे हैं गधे पर? तो गधा जो है वो उसके काम का है। तो यहाँ भी आवाज आती थी बहुत बार गधे की, परंतु अभी शायद वो धोबी लोग सब गाड़ी पर ही कपड़े ले जाते हैं। तभी यमुना में जाके तो और धो नहीं सकते क्योंकि यमुना का जल इतना गंदा हो गया है, घर में ही धोएंगे। तो गधा जो है वो धोबी के लिए काम का है, पर कुत्ता कोई काम का नहीं है, नहीं घर में नहीं घाट पर। अभी नदियों की ऐसी अवस्था हो गई है कि उनका इस संसार में भी अर्थ चला गया और अगले संसार का भी चला गया, वही है भग्न गति। कैसे होता है? कि नदी का पति कौन है? वो है समुद्र। तो इसलिए नदी सदैव समुद्र के तरफ ही दौड़ती है, पर नदी को कृष्ण के वेणुवादन ने रोक दिया, तो अब वे अपने पति के तरफ तो जा नहीं रहे हैं और वे कृष्ण के तरफ देख रहे हैं, तो उनका पतिव्रता तो नष्ट हो गया। तो इस संसार में तो उनका अर्थ नष्ट हो गया। लोग कहेंगे ये सब तो पतिव्रता नहीं है, दूसरे पुरुष की तरफ देख रहे हैं। तो ये लौकिक गति, और अगर आप धार्मिक नहीं है तो पारलौकिक गति क्या होगा? मृत्यु के बाद फिर नरक जाना पड़ेगा। तो भग्न गति हो गया। तो यही भग्न गति का दोहरा अर्थ है। सीधा अर्थ तो ये है कि उनका प्रवाह रुक गया, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी अन्य अर्थ ले रहे हैं कि ना इस जन्म में कुछ मिला ना अगले जन्म के लिए मिलेगा, दोनों नष्ट हो गए, क्योंकि अब तो पतिव्रता भी नहीं रही हैं और अन्य नदियां सब उनका उपहास कर रही हैं, क्योंकि अन्य नदियां तो अपने पति समुद्र की तरफ जा रही हैं। अब ये नदियां जो है वो न अपने पति के तरफ जा रही हैं समुद्र में और न कृष्ण से मिल रही हैं। जैसे त्रिशंकु, वह राजा जो स्वर्ग जाना चाहते थे और वशिष्ठ ने उनके लिए यज्ञ करने से इनकार कर दिया, वे विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। तो वे अपनी शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने लगे। तो जब वो स्वर्ग जा रहे थे, तब इंद्र ने उन्हें धक्का मार के नीचे फेंक दिया, तुम यहाँ आए कैसे, तुमने कोई यज्ञ नहीं किया, कुछ नहीं। तो जब वो अब वो नीचे गिर रहे हैं, और जब वो नीचे गिर रहे हैं, विश्वामित्र को पुकार रहे हैं कि मैं गिर रहा हूँ, तो विश्वामित्र कहते हैं रुक जाओ। तो वे अपने योग बल से त्रिशंकु को बीच में रोक देते हैं। तब त्रिशंकु बीच में लटक गया है, न वो स्वर्ग जा पाए न वे पृथ्वी पर वापस आ पाए। तो इसीलिए हिंदी में जब किसी की ऐसी अवस्था होती है जो बीच में अटक जाता है, उसे त्रिशंकु कहते हैं, कि जिसके पैर और त्रिशंकु के पैर ऊपर है, सिर नीचे है। तो बिहार में एक नदी है, उस नदी को कर्मनाशा कहते हैं। तो ठीक जिस प्रकार गंगा को स्पर्श करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उस कर्मनाशा नदी को स्पर्श करने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई उस नदी को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि वह उस नदी को सबसे अमंगलकारी माना जाता है। जैसे गंगा सबसे मंगलकारी है, अब वो कर्मनाशा नदी सबसे अमंगलकारी क्यों बन गए हैं?
क्योंकि जो त्रिशंकु ऊपर लटक रहा है उसके उसके जिह्वा की लार जो है वो इस नदी में गिर रही है। त्रिशंकु तो ये नदियां जो है ये त्रिशंकु जैसी बन गई हैं, बिकॉज़ क्योंकि ही सेड दे कुड नॉट वे अटेन कह रहे हैं गॉड कि उन्होंने वे कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाई दे गॉट स्टंड क्योंकि वे तो स्तंभित रह गई और न वे अपने पतियों की तरफ जा रही हैं, नाइदर हियर नॉर देयर न त्रिशंकु इधर है दिस न उधर है, इज व्हाट ही सेड यही वो कह रहे तस्य हैं। श्लेषेण कृष्ण आंग्र संग सुख प्राप्ति अभावात सो बिकॉज दे डिड नॉट गेट द ब्लिस ऑफ हैविंग फिजिकल एसोसिएशन ऑफ कृष्ण तो चूंकि उन्हें कृष्ण दे के वर शारीरिक कृत उपासक संपर्क का आनंद प राप्त नहीं हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड नॉट गेट अन्य ओके यू आर नॉट गोइंग टू हस्बैंड यू आर लिविंग हस्बैंड एंड एट लीस्ट यू नो कृष्ण तो एंड गोपीज अन्य नदियां कह रही है ठीक है तुम दे पतियों के पास नहीं जा पाई, कृष्ण से तो मिलो, सो ऐसे गोपियों गोपियां दे कृष्ण लॉस्ट पतियों को छोड़ के आई थी तो कॉन्टैक्ट कृष्ण से तो मिली, एंड दे लॉस्ट पर ये नदियां कॉन्टैक्ट बिकॉज़ नाउ दे रियलाइज कृष्ण दे से भी नहीं कैन मिल नॉट गो पाई अगेन और पतियों से भी नहीं, अभी पति कहेंगे कि तो हमारे पास आने की कम आवश्यकता बैक नहीं है, तुम अन्य एंड पुरुष के प्लीज पास कम गई, तो अगेन अन्य नदियां जो है दे वो उनका मजाक उड़ा रही, उपहास कर रही है कि देखो इन नदियों को, आर नाइदर विद हस्बैंड वो नॉर न विद अपने कृष्ण पतियों के साथ है न कृष्ण के साथ है, ओके बीच में अटक गई सो हैं। दिस इज द एही की गतिर भग्ना सो दिस इज देयर लॉस ऑफ देयर गति हियर इन दिस वर्ल्ड मींस तो इस देयर स्टेटस संसार हियर में उनका गति नष्ट हो गया डिस्ट्रॉयड हियर एंड आफ्टर डेथ और सो मृत्यु के आफ्टर डेथ पश्चात, यू आर अ चेस्ट वाइफ देन आफ्टर मृत्यु के डेथ यू आर पश्चात जो अ पतिव्रता नारी है नाउ वो यू आर स्वर्ग अ जाती चेस्ट है, वाइफ पर ये तो पतिव्रता भी नहीं स्टेट ऑफ रही वेल्थ तो वे नरक सो जाएंगी, आफ्टर डेथ ऑल्सो देयर गति भग्ना तो मृत्यु के बाद भी वे उनका गति भग्न स्त्री हो गया पातिव्रत्य लोपात इस। पारलौकी की च गति नष्टा सदैव पारलौकी की गति अवश्य नष्टा है ना तो मीनिंग उनका ऑफ पारलौकिक गति भी नष्ट हो गया, भग्न गतया यह भग्न गतया शब्द का अर्थ है। सो तरहि भग्न गतया सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो नील नीतम सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट तब वे क्या अवगत कह रही हैं, अभाग्यमिति भाव सो नाउ गोपीज आर सेइंग दैट लुक हाउ अनफॉर्चुनेट दिस रिवर्स आर तो गोपियां कह रही है कि देखो ये नदियां स्टीफन कितनी कॉल्स दुर्भाग्यशाली हैं, द कॉल पहले तो द इन्होंने कॉल ऑफ कृष्ण गॉड जो गाय को पुकार रही थी इन्होंने गलत समझा कि कृष्ण हमें पुकार रहे हैं, एंड दैट वाज नॉट उन्होंने राइट गलत समझ लिया, दे कुड वो नॉट भी उतनी अंडरस्टैंड खराब दिस बात नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट फिर भी कृष्ण से यदि मिल सो लेती तो अच्छा होता, ये तो नामाभास हो गया। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नामाभास नाउ अभी नामाभास शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, इट्स लाइक वे अजामिल कृष्ण नदियों को नहीं बुला रहे, कॉलिंग जैसे हिज अजामिल नारायण को नहीं पुकार रहे थे, हिज वे अपने पुत्र को डॉटर पुकार रहे थे, तो यमुना इज कॉलिंग द कॉल कृष्ण यमुना ऑफ को गोविंद पुकार नहीं रहे हैं, वे नामाभास गाय को पुकार रहे हैं सो जिसका नाम नामाभास ऑल्सो यमुना हैज है। तो पावर ये नामाभास है, पर नामाभास की भी अपनी शक्ति इट्स होती है, नॉट पर यहाँ पर वो काम नहीं की, सो देयरफॉर द गोपीज आर सेइंग लुक एट देयर इसलिए मिसफॉर्च्यून गोपियां कह रही है देखो वो कितने देयर नदियां कितनी मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्यशाली ओवर हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग भग्न गतय एंड इसलिए नाउ भग्न अनदर गतया कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट थिंग विच और अभी हैपेंड और भी उनके साथ उनका भाग्य दिस और भी उनके अभाग्यमिति साथ और भी कुछ खराब हो गया। फॉर्चून तो को कह रहे दिस नहीं टाइम थोड़ा सा तो कुछ स्टीफन उनको कॉल्स मिला, नील नीतम थोड़ा भाग्य तो है। अनुकूल पवनेन आनीतम स्पृहंत्य प्राप्य अपितृप्य भावा देव पुनर्पुन सो इट कैन बी सीन देयर दिस गोपीज और एट लीस्ट द कमेंटेटर इज गिविंग लिटिल चांस टू तो जो देम टीकाकार हैं वे सेइंग दैट दे आर उनको एब्सोल्युटली नदियों को थोड़ा अनफॉर्चुनेट डस्ट तो फ्रॉम भाग्यशाली द डस्ट फ्रॉम द कह कॉल रहे हैं, ऑफ जैसे गोपियां कह रही सेइंग थी कि दैट बिल्कुल ही दिस दुर्भाग्यशाली है, वैसा नहीं, टीकाकार कह रहे हैं थोड़ा दैट्स सा रज तो मिला, सच ज्यादा अ नहीं। फेवरेबल स्ट्रोक ऑफ विंड तो ब्रॉट हेल्दी डस्ट फ्रॉम हवा का कृष्णा कोई भाग्यशाली झोंका स्प्रेडिंग एट वो सच उनके तरफ आया तो उन्हें बट दिस कृष्ण वॉज के चरण से फेवरेबल थोड़ा रज मिल गया, पर ये बहुत थोड़ा सा था, सो दे वॉन्टेड मोर तो उन्हें नदियों को अधिक चाहिए था पर वो उन्हें नहीं मिला, सो देयर गुड फॉर्च्यून वॉज ऑल्सो वेरी तो लिटिल उनका जो सौभाग्य है वो भी बहुत थोड़ा सा अ ही था। फ्यू पार्टिकल्स केम
एक दो कण कुछ आ गए होंगे, नॉट मच, अधिक नहीं। सो दिस इज कॉल्ड ऊंट के मुंह में जीरा, यू नो दिस सेइंग, सेइंग इन हिंदी दैट कैमल इज तो जैसे हिंदी में कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, कि ऊंट भूखा है और उसके मुख में थोड़े थोड़ा जीरा डाल दीजिए, क्या ऊंट इससे खुश होगा? थोड़े से जीरा से नहीं, एक चम्मच जीरा से ऊंट का, ऊंट की भूख थोड़े शांत हो सकती है। अगर दाल में छोंक लगाना है तो एक चम्मच जीरा अच्छा है, परंतु ऊंट का भूख मिटाने के लिए नहीं। तो इसलिए वो नदियां संतुष्ट नहीं थी, उन्हें और चाहिए था। पुनर पुनर इच्छन्ति अतो वयमेव कृष्ण संगादि अप्राप्तिभ्याम अबहुपुण्य। सो इट सेज देयरफॉर दे आर जस्ट लाइक अस, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वाई ये देयर आर नदियां भी हमारे जैसे हैं। क्रिएचर्स गोपियां स्वयं कंपेयरिंग को अस टू नदियों देम से तुलना क्यों कर रही हैं? जस्ट एज वी आर नॉट हैविंग क्योंकि कृष्ण गोपियां कह संग रही एट हैं कि दिस जिस मोमेंट प्रकार हमें कृष्ण का संग अभी नहीं मिल रहा है गेटिंग एनी डस्ट फ्रॉम हिज फीट और हमें कृष्ण के चरण कमल से रज नहीं प्राप्त हो रही है, संगादि वो प्राप्तिभ्याम क्योंकि वो बहुत दूर हैं। अबहुपुण्य, सो दे डू नॉट हैव टू मच मेरिट फाइट तो उनका भी अगेंस्ट इट, कोई बिकॉज नथिंग तो हैपन्स नदियों का भी कुछ अधिक टूवर्ड्स पुण्य योर नहीं वर्क ऑफ है। पाइटी, जब अधिक पुण्य होता है तभी जीवन में कुछ अच्छा होता इफ है। योर स्टॉक ऑफ पाइटी इज नॉट एनफ पुण्य यदि पर्याप्त नहीं है यू विल नॉट गेट इट, तो वो नहीं मिलेगा अच्छा सो चीज। देयर फॉर बहुपुण्य नापि अपुण्य अल्प पुण्य। इट्स नॉट दैट दे डोंट हैव एनी पाइटी, ऐसा नहीं है कि उनमें, उनके बिल्कुल ही दे पुण्य हैव नहीं है। फ्यू डस्ट पार्टिकल्स, सम पाइटी इज देयर बट इट्स नॉट मच, पुण्य थोड़ा है पर अधिक नहीं है, बट नो इसलिए पाइटी, अपुण्य नहीं कह रहे, नॉट मच। पर कह रहे हैं कि अधिक नहीं है। सो यू आर इनवाइटेड फॉर फूड, यू आर वेरी हंग्री, तो जब आपको भोजन के लिए आमंत्रित इफ किया जाता है, आप बहुत भूखे बाय हैं, द टाइम यू परंतु कम आपको अधिक नहीं, पर्याप्त नहीं मिलता। एवरीबडी जब तक हैज आप आते ब्रेकफास्ट हैं, एंड यू आर लेट, सबने भोजन कर लिया है, आप देर से आए हैं, मान लीजिए कोई भंडारा में आप देर से आ गए, तो फिर लाइक नो प्रसाद फूड, समाप्त हो जाता है, अब फिर से रसोई करने तैयार नहीं है, लिटिल यू कैन गेट, तो जो कुछ थोड़ा बच जाता है वही खा के शांत होना पड़ता है। दैट्स व्हाट सेज अल्पपुण्य। तो यहाँ पर अल्प सो पुण्य कह रहे हैं। देन ही सेज प्रेम तो वेग, फिर क्या होता है? सो देयर आर्म्स आर शेकिंग, तो उनके भुजाएं जो है वो कांप रही हैं। प्रेरणा वेपिता भुजास तरंगायासन, सो व्हाट इज दिस आर्म, सो आर्म्स आर द वेव्स, तो नॉट उनके भुजाएं क्या है? नदियों की जो लहर है वही भुजा समथिंग है। एल्स, इट केम दैट दे वर लाइक पहले भी आया था। वेव्स, ब्लॉक द वाटर, रोटेट्स, दैट इज जस्ट लाइक आर्म्स ट्राइंग टू एम्ब्रेस कृष्ण, उनकी लहर जो है वो भुजाओं के हस्तांगम जैसे है जो प्रेरणा कृष्ण वेपिता, का आलिंगन करना चाहते इट्स हैं। एज आवर आर्म्स ऑल्सो शेक आउट ऑफ तो कह लव, रहे हैं कि हमारे इट्स हाथ भी लाइक कांप रहे स्वेद हैं भाव प्रेम कंप, से, क्योंकि तो एक सात्विक भाव कंपन होता है। स्वेद अश्रु, स्वेद हेयर स्टैंड ऑन अश्रु, एंड, टीयर्स इन द आईज, रोम खड़े हो जाते हैं, आंख से द अश्रु, चेंजिंग शरीर का कलर, कांपना, ऑल द रंग वेरियस बदलना। एस्पेक्ट्स ऑफ लव, सो दिस इज गोपी से वी ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट तो गोपियां कह रही हैं कि लाइक हम भी वैसा एक्सप्रेस, अनुभव किए हैं। स्थिमिता आपः, फिर उसके आगे है, सो स्थिमिता मीन्स टू बिकम इनर्ट, स्थिमिता अर्थात स्टन जड़ जैसा हो जाना, लाइक स्तंभित हो जाना, खंबे के जैसा हो जाना। जाड्येन कठिनी भूयापि पुनराद्रि भवता आपोयासन। सो ही इज टेकिंग दैट फर्स्ट द वाटर गेट्स सॉलिडिफाइड, तो यहां भी कह रहे हैं कि पहले तो जल ब्रेकिंग जो शेक है आउट ऑफ लव, वो एंड कुछ देन सॉलिड बन गया है, कुछ कठिन बन गया ब्रेकिंग द है, हार्ट आउट ऑफ और लव, फिर वह पिघल रहा है, जैसे कि प्रेम में हृदय स्थिमिता पिघलता है। दैट तो वही यहाँ पर कह रहे एक्सप्रेस हैं बिकम्स मैनिफेस्ट स्थिमिता, एंड अब स्टेप्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद सो एक ये लक्षण आ रहे हैं, स्थिमिता, यह एंड देन स्थिमिता व्हेन दे है। आर कंपेयरिंग देम और देमसेल्फ फिर आल्सो विद देमसेल्फ, चूंकि दिस आल्सो हैपन्स
गोपियां भी अपने आप से इनकी तुलना इनको तुलना कर रही हैं। स्तिमित जला जलहि स्तिमिता भवम. सो ही सेज वी आल्सो एक्सपीरियंस दिस दैट इन तो आवर क्या कह रहे हैं कि हम भी ये अनुभव आईज करते हैं कि हमारी देयर आंखों इज में पहले स्तिमित जला दैट द टीयर्स कम स्तिमित जल एंड होता है, स्टॉप पहले अश्रु एंड बहते देन हैं फिर वे रुक जाते हैं, विद द टीयर्स वी बिकम स्तिमित वी स्टॉप और इन अश्रुओं के साथ हम बिकॉज़ वी कैन नॉट सी स्तंभित हो वी जाते कैन नॉट हैं, मूव. क्योंकि तो हम देख नहीं सकते तो हम एकम हिलते नहीं। आदि समा शांता भाव आर्ष सुनो स्मरण समा शांता टच प्रत्यय नॉट अप्लाइड हियर. सो एवं वयम अपि पति मात्रादि भी कृष्णाभिसार वारणात् भग्न गतया लोकोपहासा उपहासात् पातिव्रत्य लोपाच्च अहिक पारलौकिक गति रहिताश्च. सो देन इज मेकिंग बिग तो कंपैरिजन यहाँ भी एक बिटवीन बड़ा दिस बड़ी टू. तुलना कर रहे हैं, रिवर्स कह रहे हैं कि हमारी अवस्था भी दैट नदियों की जैसी है, कि रिवर्स कुड नॉट मीट कृष्ण ये रिवर्स नदियाँ कुड कृष्ण मीट से मिल नहीं पाए, बिकॉज हम भी नहीं मिल हस्बैंड पाई हैं, क्योंकि पेरेंट्स हस्बैंड हमारे पेरेंट्स घर में हमारे पति दे वुड है, नॉट अलाउ माता पिता है, कृष्ण तो सो वी आर वो बाउंड हमें जाने देंगे नहीं, आवर मूवमेंट तो हम भी भग्न गत इज है, हमारी ब्रोकन गति जो है वह रुक गई एंड है। पीपल ऑल्सो मेक फन ऑफ अस वी डू दैट लोग भी हमारा उपहास करते हैं यदि हम जाएं एंड तो, पातिव्रत्य लोपाच्य और फिर हमारा लोपाच्य पातिव्रत्य भी स्तिमिता नष्ट भवम. हो जाएगा, सो वी आर डिवोटेड टू कृष्णा एंड नॉट टू अदर क्योंकि फिर स्पिरिट्स. हम अपने पति सो नहीं वी अब हैव ऑल्सो कृष्ण के लॉस्ट प्रति समर्पित हो जाएंगी, एंड पारलौकिक तो हमारा भी ऐहिक और पारलौकिक दोनों नष्ट हो आर गया थिंकिंग है। हियर दैट वी आर नॉट यहाँ जस्ट लोग सोच रहे हैं कि हम डाइंग पातिव्रत्य नहीं हैं दैट द और गुरुदेव मृत्यु के बाद भी हमें जस्ट स्वर्ग नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अपना स्टिल पातिवृत्य रिवर्स खो दिया, जस्ट लाइक द रिवर्स तो वे कह रही हैं कि हमारी अवस्था भी वन नदियों इज जैसी नॉट है। जस्ट वी हैव अत्यस्त. एंड द अदर वर्ड व्हिच इज यूज्ड हियर जो अन्य शब्द यहाँ इज प्रयोग हुआ है स्प्रिहावती वो है मीन्स स्प्रिहावती, डिजायरस मतलब इच्छा करना कृष्ण के से स्पिरिचुअल मिलने के लिए। वी तो आल्सो डिजायरिंग टू वे कह रही हैं एक्सप्लोर कि हम भी इच्छा द कर रहे हैं विश टू स्मेल द फ्रेग्रेंस हम भी फ्रॉम कृष्णस बॉडीज कृष्ण के शरीर से जो सुगंध आ रही है, हम भी उसे वो सुगंध लेना चाहती हैं, हम सो भी दिस उनका इज आलिंगन करना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती दे आर हैं। स्पीकिंग अबाउट तो द इस रिवर्स प्रकार जो गोपियां हैं वे बट नदी दे आर के बारे एक्सप्रेसिंग में देयर कह रही हैं, भाव पर वास्तव में नदियों के द्वारा वे स्पीकिंग अपने ही अबाउट भाव को प्रकट कर रही हैं। व्यंजना इसी तरह कार्य स्पीकिंग करता है। अबाउट समथिंग तो व्यंजना अर्थात कि एंड किसी एक्चुअली एक विषय के बारे में कुछ कन्वेइंग कहते हैं, थॉट्स. पर उद्देश्य है किसी और के बारे में कुछ कहना, वे व्यंजना वर्क्स इस सो तरह दैट द व्यंजना कार्य मैसेज करते गेट हैं। तो ब्रॉट यहाँ अक्रॉस पर उन्होंने बिकॉज बहुत द अच्छे से यह समझाया है, क्योंकि रिवर जो कुछ भी वे नदी के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज दे वे मे अपने थिंक बारे जस्ट में लाइक यमुना ही एंड बात कर रही हैं, सरस्वती क्योंकि सो उनका पास काउज एंड भी पिग्स केवल गायें नहीं, गोपियों के भी गंगा यमुना गोपी सरस्वती ऐसे आर सब नाम थे, गोपियों थिंकिंग दैट के भी ऐसे नाम होते एंड हैं। द काउज दे आर थिंकिंग दैट ही इज तो वन ऑफ जब अस कृष्ण गायों को बुला रहे हैं तो गोपियों को भी लग रहा है कि शायद वे हमें बुला रहे हैं, दे कैन इसलिए नॉट उन्होंने अपने सारे कार्य रोक दिया, पर वे जा नहीं सकती, इवन इफ सम विंड कम्स फ्रॉम देयर तो वो भी अपेक्षा कर रही थी शायद स्मेल वहां से कोई हवा का झोंका आएगा स्मेल और ऑफ वे प्रगति सुगंध को एंड सूंघ सकेंगी। स्प्रिहावती मे ऑल्सो हैव स्प्रिहा तो उनमें भी यह स्पृहा स्पिरिट या स्टोन इच्छा टू है, एक्सप्रेस. इस प्रकार वे सो व्हेन दे व्यक्त टॉक कर अबाउट रही हैं। अदर्स तो जब वे अन्यों के बारे में बात कर रही हैं एक्सप्रेसिंग देयर ओन फीलिंग्स वे अपने ही भाव को एंड प्रकट अदर कर रही हैं। वर्ड्स दिस इज द कूल वे ऑफ स्पीकिंग योर माइंड तो ये अपने मन के भाव को व्यक्त करने का एक स्पीकिंग अच्छा तरीका है, विदाउट सब एफर्ट. कुछ प्रकट कर भी देते हैं और नहीं भी करते हैं। दोज हु आर एक्सपर्ट्स विल अंडरस्टैंड जो दक्ष हैं दैट समझने में वो समझ जाएंगे, रिवर बाकी लोग सोचेंगे अरे ये तो नदियों की बात कर रही रिवर्स हैं, एंड काउज एंड कोई पिग्स सोचेंगे कि ये मृग गाय इन सब का बात कर रहे हैं, व्हेन दे आर एक्चुअली पर एक्सप्रेसिंग वास्तव में ये अपना ही फीलिंग्स. भाव प्रकट कर रही हैं। सो दीज आर टू श्लोकास स्पोक अबाउट द रिवर.
सो इज गोइंग इन द ऑर्डर, फर्स्ट देयर वाज तो नदी के बारे में दो श्लोक बताए गए, तो वे इस क्रम में जा रही हैं, पहले देवी, फिर गाय, बैल, मृग, और फिर अभी नदी, फिर इसके बाद लताओं की ओर जाएंगे। तो यहाँ विराम देंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yes. Rivers here. The centric, then this was the meaning of the comment, they are speaking of the rivers. But in the verse, they haven't seen the river already. You didn't see the word Sarita, man. Sarita was there. अरे भग्न गते हो सरिता हो गई, भद्र अरे बोल बाबा जी, माय क्वेश्चन इज प्रश्न द है, रिवर्स पैरालाइज्ड और द रिवर्स जो वाटर पैरालाइज्ड एंड नॉट बीइंग एबल टू रीच कृष्णा नदियां इज जैसे पैरालाइज्ड हो गई हैं, वंस दैट एक्सपीरियंस दैट द काउस एक्सपीरियंस दैट तो वाज डिस्क्राइब्ड इन द गायों वर्स को बिफोर भी पहले दिस क्वेश्चन. जब बताया गया था ओके वही अनुभव हुआ था, ओके तो ये क्या वैसा ही भाव है? हाँ वैसा ही दैट है। इज अ आल्सो डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द साहित्य. साहित्य के अनुसार ये इंटरेस्टिंग, सब वर्णन किया जा रहा है, सात्विक भाव हाउ दे मैनिफेस्ट. भाव किस प्रकार प्रकट होते हैं, जो सात्विक भाव कैसे प्रकट होते हैं, वे सब समझाए जा रहे हैं। सात्विक भाव इज इन द साहित्य और बिकॉज साधारण तौर पर ह्यूमन बींग्स जो साहित्य में जो सात्विक सात्विक भाव है वे मनुष्यों के रूप में समझाए जाते हैं। इट्स नॉट इन यहाँ बड़ी एनिमल्स, विचित्र बात है कि एनिमल्स कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में पशु इन अनकॉन्शियस और वेज अचेतन रिवर्स नदियों के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं, एक्सेट्रा. सो दिस इस इज प्रकार वेरी वर्णन हो रहा है। एक्सट्रॉर्डिनरी तो ये बहुत डिस्क्रिप्शन विशेष प्रेम. विशेषता है कृष्ण प्रेम की। दैट इज ऑल्सो टू शो इट्स स्पेशल पावर तो यहाँ उसके विशेष शक्ति बताई जा रही है, इन द रेगुलर जो साहित्य. अन्य जो साहित्य में सुनते हैं उससे यहाँ पर ये इस उसकी तुलना में बहुत बड़ी विशेषता है। Oh, yeah, that on the one hand, these rivers, stones, etc., they actually they are constantly there. On the other hand, the Gopis, they speak about them in order to close their own heart. Yes. Yes.